हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स जो चैप्टर पढ़ा था इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर जो भी होगा एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बेटा। तो बच्चों, पहला सवाल है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस? क्या आप लोग कभी बस में ट्रेवल किए हैं? इफ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। अगर आप लोग बस में कहीं घूमने गए हैं तो अपने दोस्तों को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उन्हें बताना है। तो इसका आंसर है यस आई ट्रेवल्ड इन अ बस। हाँ, मैं बस में ट्रेवल किया हूँ ड्यूरिंग अ स्कूल ट्रिप। जब हम लोग एक स्कूल की ट्रिप पे गए हुए थे, तब जब हम लोग एक स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गए हुए थे तब मैं स्कूल की बस में ट्रेवल किया था। इट वॉज फन विद फ्रेंड्स। वहाँ बहुत मज़ा आया था अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम लोगों ने गाने गाए एंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ फील्ड्स एंड रिवर्स। और हमने बस से सुंदर सुंदर खेत तथा नदी देखी थी। क्या देखा बेटा? नदी। अगला सवाल है बेटा, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डू यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप? आपने किस तरह के पेड़ और फूल देखे जब आप लोग ट्रेवल कर रहे थे या कहीं घूमने गए थे तब? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आई सा ओक, पाइन एंड मैंगो ट्रीज एंड फ्लावर्स लाइक रोजेस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड ट्यूलिप। हमने फूल कौन कौन से देखे? रोज का फूल देखा, रोज मीन्स गुलाब, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी और ट्यूलिप मीन्स होता है बेटा कनेर। ये सारे फूल हमने देखे। और ट्रीज कौन कौन से देखे थे? ओक, पाइन और मैंगो के। अगला सवाल है बेटा, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रेवलिंग? जब हम लोग कहीं यात्रा करते हों तो हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, वियर आर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हों उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। कीप बिलोंगिंग सिक्योर, अवॉइड लीनिंग आउट, स्टे अवेयर एंड कैरी फर्स्ट एड किट। तो ये सारी चीज़ों को हमें ट्रेवलिंग के दौरान ध्यान देना चाहिए, ठीक? ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल? जब आप लोग कोई बाइसाइकिल चलाते हों तो हमें क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए वो बताना है। एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, और अगर जब हम पैदल चल रहे हों रोड पे तो हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान देना है वो भी हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए, पहले मैंने लिख रखा है बाइसाइकिल जब चलाते हों हम तब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वियर अ हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। यूज हैंड सिग्नल, हमें जो घंटी है वो बजाते रहने चाहिए। स्टे इन बाइक लेन, और हमें जो साइकिल वाली लाइन बनी हुई होती है रोड पे उसी लाइन के अंदर ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं चलना चाहिए। अवॉइड बिजी रोड, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो उस रोड को अवॉइड कर देना, उस पर नहीं जाना है। एंड इंश्योर योर बाइक इज इन गुड कंडीशन, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जो बाइसाइकिल है वो अच्छी कंडीशन में तो है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, ब्रेक वगैरह सब ठीक होने चाहिए। अगला है वाइल वॉकिंग, जब हम लोग पैदल चलते हों तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यूज साइड वॉक, हमें किनारे चलना चाहिए रोड के। बिल्कुल सही बात है, रोड के किनारे चलना चाहिए। रोड के बीच में जाओगे तो बस उड़ा ले जाएगी, तो हमें रोड के किनारे चलना चाहिए। क्रॉस एट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, और जहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनी हुई होती है हमें रोड वहीं से क्रॉस करना चाहिए। लुक बोथ वेज, हमें दोनों तरफ रास्ता देख लेना चाहिए क्रॉस करने से पहले। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे रास्ते में कोई घटना घटित हो रही हो या कोई खेल वगैरह चल रहा हो, तो हमें उधर नहीं देखना है, वरना हम उधर देखते हुए जाएंगे या फोन चलाते हुए रोड क्रॉस करेंगे तो चोट लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड वियर रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग इन लो लाइट, अगर बाहर अंधेरा हो रहा हो तो हमें रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स पहनने चाहिए, जिससे जैसे कोई बाइक या कोई वाहन आ रहा है तो उसकी लाइट हमारे कपड़ों पर लगेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चौंधा लगेगा उसे, तो उस जो ड्राइवर होगा, जो ड्राइव कर रहा होगा जिस वाहन को, उसे लग जाएगा कि सड़क पर कोई है,
ध्यान से चलें, धीरे चलें थोड़ा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए यहाँ पर है मैचिंग का सवाल, हमें करेक्ट मैचिंग करने हैं। यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी वन है जिसमें हमें मैचिंग का सवाल दिया गया है। एक तरफ कुछ हमें कॉलम ए में साइन बोर्ड दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके मीनिंग क्या हैं, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा हुआ है। तो हमें करेक्ट मैचिंग को करेक्ट ऑप्शन से मिलाना है। पहला देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से कुछ बना हुआ है और इस तरह से ऊंचाई दिखाई गई है। तो ये तो रोड हो गया, और रोड के ऊपर जो ऊंचाई होती है इसे स्पीड ब्रेकर ही तो कहते हैं बेटा। तो इसका मैचिंग हो जाएगा थर्ड के साथ में, स्पीड ब्रेकर। क्या है ये? स्पीड ब्रेकर। अगले देखिए, ये देखिए एक बच्चा है जो छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब होता है बेटा कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, क्योंकि बच्चे ही तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसका मैचिंग हो जाएगा स्कूल अहेड। फिर अगला देखिए, कार बनी हुई है और ऊपर कट का निशान लगा हुआ है, ऐसा क्रॉस लगा हुआ है ना। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोग अपनी वाहन या कार खड़ी नहीं कर सकते, मतलब नो पार्किंग, यहाँ पर आप अपनी कार के लिए पार्क नहीं कर सकते। तो इसका मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट से, नो पार्किंग। अगले में बेटा, अगले चित्र में एक पर्सन है जो कि वर्क कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो इसका मैचिंग हो जाएगा बेटा मैन एट वर्क, यानी कि कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है। फिर आगे देखिए, भोंपू बना हुआ है और उस पे कट का ऐसे निशान लगा हुआ है, इसका मतलब होता कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते, कि नो हॉर्न प्लीज। इसका मैचिंग हो जाएगा सेकंड से, नो हॉर्न प्लीज। फिर यहाँ पर बेटा यू टर्न बना हुआ है और जिस पे कट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो इसका मैचिंग हो जाएगा इससे, नो यू टर्न, ठीक है? इस तरह से हमारे सारे मैचिंग कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यू वुड हैव ऑब्जर्व मैनी साइन बोर्ड ऑन द रोड, रोड पर जब हम लोग चलते हैं तो बहुत से साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं। ड्रॉ एंड लेवल एनी थ्री, हमें कोई भी तीन साइन बोर्ड्स को बनाना है यहाँ जो जगह बनी पड़ी हुई है इस पर, दैट आर नॉट लिस्टेड अबव, जो कि ऊपर ना बताए गए हों, ऐसे हमें तीन साइन बोर्ड बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, मेरे साथ आप भी बना लेना। तो बच्चों हम लोग तीन साइन बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है एक सर्कल, ये बन गई हमारी सर्कल, ये दूसरी सर्कल और ये तीसरी सर्कल, तीन हमने सर्कल बना लिए। अब इन सर्कल में हमें निशान बनाने हैं। सबसे पहले इस तरह से आप लोग निशान बनाइए, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं आप अपनी गाड़ी, ठीक? अगला निशान बनाते हैं हम लोग इस तरह से, इस तरह से, इसका मतलब होता है बेटा टर्न लेफ्ट, आप यहाँ पर लिख भी लेना टर्न लेफ्ट, और ये क्या है? पार्किंग का निशान है, पार्किंग, ठीक? फिर यहाँ पर हम लोग निशान बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से, इसका मतलब होता है कि आगे यू टर्न ले सकते हैं, यू टर्न, ठीक है? तो हमारे तीनों सिंबल बन चुके हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बच्चों आ चुके हैं पेज नंबर 40 पर। इस पर कुछ सवाल हैं और एक टेबल है, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला सवाल है, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो। नीचे ये सीजन दी गई है बेटा, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मानसून और विंटर। तो इन सीजन्स में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो आपको अपने बड़ों से पूछना, अपने घर परिवार के लोगों से पूछना है कि हमारे यहाँ समर में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, विंटर में कौन कौन से मनाए जाते हैं, स्प्रिंग में कौन कौन से मनाए जाते हैं और मानसून में कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, ये आपको अपने घर से पूछना है, घर के परिवारजनों से। मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल,
इन त्योहारों में कौन कौन से फूड बनाए जाते हैं, कौन कौन से खास डिशेस बनाई जाती हैं या फूड बनाए जाते हैं, आपको इस टेबल में लिखना है। ठीक, सबसे पहली सीजन है बेटा स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु, और इसमें हम लोग होली मनाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे होली होली। ठीक, और होली में हम लोग क्या खाते हैं, गुजिया, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे गुजिया गुजिया। ठीक, और साथ में ठंडाई भी बना लेते हैं, ठंडाई। ठीक, फिर समर, समर का फेस्टिवल कौन सा होता है बेटा, समर में हम लोग बैसाखी मनाते हैं, क्या मनाते हैं बेटा, बैसाखी, तो यहाँ पर लिख देंगे बैसाखी। और बैसाखी में हम लोग खीर बनाते हैं, खीर खाते हैं सभी लोग, खीर बनाते हैं, और मक्के की रोटी, मक्की दी रोटी, किसकी बेटा, मक्के दी रोटी बनाते हैं बैसाखी में। फिर आती है मानसून की सीजन। मानसून यानी कि जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, बारिश के मौसम में आता है तीज का त्योहार बेटा, कौन सा, तीज का त्योहार। और तीज के त्योहार में हम लोग बनाते हैं मालपुआ, क्या बनाते हैं बेटा, मालपुआ, मालपुआ बनाते हैं ना, और साथ में हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, मिठाइयाँ भी तो बनाते हैं बहुत सी, कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपको पसंद हो, जैसे मैं लिख देता हूँ घेवर, घेवर बनाते हैं। और फिर आती है बेटा विंटर सीजन। विंटर में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्या मनाते हैं बेटा, क्रिसमस। और क्रिसमस में हम लोग सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल, सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल, ध्यान आया, क्रिसमस से ही तो संबंधित है ना, इसमें हम लोग गजक बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, गजक बनाते हैं, ये जे है ठीक, गजक। और साथ में प्लम केक बनाते हैं, प्लम केक बनाते हैं। अच्छा, विंटर के दिनों में मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खाया जाता है, तो आप चाहें तो लिख लें मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग, किसका बेटा, सरसों का साग, ये हम विंटर में ही तो खाते हैं। तो इस तरह से ये टेबल भी हमारी फिनिश हो गई, देखो खाने का नाम सुन के मुंह में पानी आने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये सवाल है बेटा, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब त्योहार आते हैं तो आप लोग कौन से खास खास कपड़े पहनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स जब त्योहार आते हैं आई वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, मैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनता हूँ, जो जैसे त्योहार से संबंधित पुराने जमाने में जो ड्रेस पहनी जाती थी उन्हीं को बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जैसे कि कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, साड़ी, लहंगा और सलवार कमीज। ठीक है, अगले बढ़िए बेटा, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है, मैच द नेम ऑफ द फूड, हमें कुछ फूड दिए गए हैं इधर देखिए, जो कि त्योहारों के दौरान बनाए जाते हैं, उनको हमें मैचिंग करना है कि किस त्योहार पे हम कौन सा फूड बनाते हैं, कौन सा फूड किस फेस्टिवल पर बनाते हैं, इससे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ठिकुआ है, और ठिकुआ का मैचिंग हमने छठ पूजा से कर ही दिया है, पहले इन्होंने किताब में ही कर दिया है। अब आगे है पीठा, तो पीठा को हम मैच करेंगे किसके साथ बेटा, पीठा को हम लोग बिहू के साथ मैच करेंगे, बिहू, बिहू का जो फेस्टिवल होता है उसमें हम पीठा बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना बिहू, बिहू में हम लोग पीठा बनाते हैं। फिर है प्लम केक, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है क्रिसमस में हम लोग प्लम केक के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, क्रिसमस, क्रिश मास, क्रिसमस में हम लोग
प्लम केक बनाते हैं। फिर है गुजिया। अरे बेटा गुजिया तो कहाँ बनती है, होली पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, होली, होली पर बनती है गुजिया। आगे है सडिया। सडिया के लिए बेटा ओणम पे बनाया जाता है। ओणम का जो त्योहार होता है, ओणम, ओणम का त्योहार होता है, इसमें हम लोग सडिया बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ओणम। अगला होलीज। होलीज का त्योहार जो है वो उगादी पर मनाया जाता है बेटा। किस पर? उगादी के त्योहार पर। तो यहाँ पर लिखिए उगादी। अगला बचा सेवइयाँ। सभी जानते हैं सेवइयाँ ईद पर बनती हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ईद उल फित्र। क्या लिखेंगे बेटा? ईद उल फित्र। सही है ना? देख लीजिए, इस तरह से हमारी ये टेबल भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बेटा लिखा है, डू यू थिंक एवरी वन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड्स एंड न्यू क्लोथ्स? बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि जब कोई त्योहार आता है तो सभी लोग खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं घर पे, और सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यस वी थिंक, हाँ हम लोग समझते हैं। अगला सवाल है बेटा, आर देयर एनी माउंटेन्स? माउंटेन्स मीन्स होता है बेटा पर्वत या पहाड़। रिवर्स मीन्स नदियाँ। स्ट्रीम्स मीन्स होता है बेटा धाराएं। क्लोज टू वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं, क्या उसके आसपास में पर्वत हैं या नदियाँ हैं या धाराएं बहती हैं? तो भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर्वत तो नहीं है, बट रिवर्स नदियाँ हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं आपके घर के आसपास जो भी चीज हो उसी चीज को। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस? क्या आप लोग कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे जो कि आपसे बहुत दूर रहते हों? तो हाँ मैं गया हूँ, मेरे मौसा जी काफी दूर रहते हैं, तो मैं लिख दूंगा यस। हाउ डज इट फील देयर? वहाँ आपको कैसा लगा, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आपको कैसा लगा? मैं लिख दूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील वेरी गुड। चलिए अगले सवाल है बेटा, ये देखिए सवाल मिल गया आपको। पहला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेवल? जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, कौन कौन से वाहनों से जाते हैं? तो हम लोग बेटा बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, और ज़्यादा डिस्टेंस जाना होता तो प्लेन से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, सवारी से भी जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेवल इंक्लूड कार, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, बाइसिकल एंड बोट्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है बेटा, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल? जब कोई ट्रेवल कर रहा हो, यानी कि कहीं जा रहा हो यात्रा पर, तो वो सेफ कैसे रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, वन कैन बी सेफ, सेफ रह सकते हैं जब ट्रेवल करते हों, बाय बियरिंग सीट बेल्ट। अगर हम कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, और जो ड्राइवर है उसे बातों में नहीं उलझाना चाहिए। कीपिंग वैल्यूएबल सिक्योर एंड बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, हमें अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है बेटा। जैसे हाथ खिड़की से ना निकालें या खिड़की से बाहर ना देखें, तो ये सारी सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ता है। अगला तीसरा नंबर का सवाल है बेटा, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? जब त्योहार मनाए जाते हैं तो कौन कौन से खास पकवान बनते हैं घर पर? तो आंसर हो जाएगा बेटा, स्पेशल फूड्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इंक्लूड्स स्वीट्स, जैसे कि लड्डू बनाए जाते हैं, जलेबी बनाई जाती हैं, तबोरी बनाई जाती है। तबोरी में बेटा क्या क्या आ जाएगा? जैसे बिरयानी है, पुलाव है, एंड रीजनल स्पेशलिटीज, और हमारे धार्मिक चीज़ों बनाई जाती हैं, जैसे सड़िया, ठेकुआ, पीठा। ठीक है, हम जहाँ जिस प्लेस पर रहते हों या जिस धर्म से बिलोंग करते हों, तो उसी धर्म के अनुसार या उसी जगह के अनुसार चीज़ें खाने में बनाई जाती हैं। अगला सवाल है चौथे नंबर का, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर? कैसे त्योहार और जो सेलिब्रेशंस होते हैं,
प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोगों को करीब कैसे ले आते हैं? तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। जब कभी भी सेलिब्रेशन होता है या त्योहार आते हैं तो हमें एक मौका मिल जाता है अपने परिवारजनों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का, उनके साथ बैठने उठने का, बातचीत करने का। उससे यह है कि हमारे रिश्ते करीब आ जाते हैं। जैसे जितना आप अपने दोस्तों से ज़्यादा बोलेंगे उतना आप उनके नज़दीक रहेंगे, लेकिन इतना भी नहीं बोल देना कि वो आपसे इरिटेट हो जाएं कि यार ये हमेशा बोलता ही रहता है, ठीक है ना? इतना भी नहीं, करीबियां रखनी है लेकिन इतनी भी नहीं कि चेप हो जाए उसके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स शेयर मील्स, पार्टिसिपेट इन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। ठीक, अगला 5वें नंबर का सवाल है बेटा, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? जब आप लोग प्रकृति में समय बिताते हैं, जैसे आप लोग कहीं बगीचे में बैठे समय बिता रहे हैं या पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? वाट अबाउट नेचर मेक्स यू हैप्पी? और आपको नेचर में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको खुशी देता है, जिससे आपको खुशी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यस, मुझे तो अच्छा लगता है, अगर आपको भी लगता है तो यस लिखना, यस स्पेंडिंग टाइम इन नेचर मेक्स मी है फील हैप्पी। प्रकृति के साथ समय बिताने मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल, वहाँ शांति होती है और सुंदर दृश्य होते हैं। द फ्रेश एयर, ग्रीनरी एंड साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स क्रिएट अ रिलैक्सिंग एनवायरमेंट। जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं और एनिमल्स भी अपनी आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग तरह की, तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है दिल को। जैसे चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो कितना अच्छा लगता है, कोयल बोलती है कू 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 कू। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले 2 सवाल हैं। नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आप लोग जल्द में कहाँ गए हैं? आपको ऐसे 2 अपने रिलेटिव के लिए लिखना है, 2 रिश्तेदारों को बताना है। तो मैंने लिख दिया आई रिसेंटली विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं जल्द में अपने दादा दादी के यहाँ गया था। कहाँ? ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, और मेरे चाचा के पास गया था। मैंने लिख दिया, आप भी लिखना। अगला सवाल है बेटा, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स? आप अपने कजिन्स के साथ यानी कि चचेरे या ममेरे भाइयों या बहनों के साथ में और अपने सगे संबंधियों के साथ में कैसे टाइम बिताते हैं? रिलेटिव्स मीन्स होता है बेटा रिश्तेदार, रिश्तेदारों के साथ कैसे टाइम बिताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आई स्पेंड टाइम विद माई कजिन्स एंड रिलेटिव्स बाई प्लेइंग गेम्स। मैं उनके साथ में गेम खेलता हूँ, मूवी देखता हूँ, कहानी सुनाता हूँ और सुनता हूँ, और उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो गए। आगे हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, चिया एंड नोनिका, जो चिया और नोनिका थी ऋषि की कजिन्स, लिव इन ए स्मॉल प्लेस नियर द, एक छोटे से गांव में रहती थी। जो गांव कहाँ पर था बेटा? माउंटेन्स के पास में था। कहाँ था बेटा? माउंटेन के पास। तो यहाँ पर लिख देंगे आप माउंटेन, TAIN, नियर द माउंटेन। दूसरा फिलअप है द बस वेंट अलोंग द, बस कैसे रोड पे जा रही थी बेटा? ऐसा रोड था उसमें बहुत ही तीव्र मोड़े थी, छोटी छोटी बहुत ही तेज मोड़े थी। हेयर पिन रोड, अलोंग द हेयर पिन, हेयर पिन रोड। वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स, जहाँ पे जो पहाड़ियाँ थीं वो रंग बिरंगे फूलों से घिरी हुई थीं। अगला फिल इन द ब्लैंक है बेटा, ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस थ्रू अ नैरो, जो छोटा रोड था, जो पतला रोड था, वो कैसा था? मिट्टी का बना हुआ था ना बेटा, तो हम लिख देंगे मड रोड। मड मीन्स होता है बेटा मिट्टी का बना हुआ, गीली मिट्टी से, मड रोड। अगला फिलअप है बेटा, द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड, जो लाल रंग के फूल जो बसंत ऋतु में खिलते थे उनको क्या बोला गया था इस चैप्टर में? वो फूल थे बेटा बुरांस के फूल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बुरांस।
SH ब्रॉन्ज के फूल थे। इन्हीं को रोडेंड्रॉन भी बोला गया था साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्या बोला गया था? रोडेंड्रॉन। ठीक, अगला फिलिंदा ब्लैंक है बेटा, इज अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। कौन सी लीफी वेजिटेबल जो ऋषि ने खाई थी अपने मामा के यहाँ जब गया था गरम चावलों के साथ में, तो वो बेटा थी हाक। क्या थी? हाक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? हाक लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? HAAKH। ठीक, हाक की सब्जी तो खाई थी उसने। आगे बढ़िए बेटा, यहाँ पर लिखा है ड्रॉ, ये आपको खुद बनाना है। एक चार्ट पेपर लेना है आपको, ठीक है, और साइन बोर्ड बनाने हैं। किस किस के? स्कूल लाइब्रेरी का बनाना है, टॉयलेट का बनाना है, असेंबली का बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर का बनाना है, प्ले ग्राउंड का बनाना है, अपने क्लास का बनाना, और स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का बनाना है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटीज खुद करनी है, वो भी कार्डबोर्ड के साथ में। किसके साथ बेटा? कार्डबोर्ड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज हिमालया। बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक माउंटेन कौन सा है बेटा? हिमालया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पर? नॉर्दर्न इंडिया पर, जिसको हम होम ऑफ स्नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बर्फ का घर। बर्फ का घर भी बोलते हैं हिमालय के लिए। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। लेकिन सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है पूरे संसार में? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है पूरे संसार में। एंड इट लाइज इन आवर नाइबरिंग कंट्री नेपाल। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पाया जाता है बेटा है। माउंट एवरेस्ट माउंटेन है वो नेपाल में स्थित है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8848 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है बेटा, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है नेपाल में, नेपाल में क्या पूरे संसार में? लेकिन वो नेपाल में है ना, वैसे तो पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 8848 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। पूरी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। यहाँ पर बेटा लिखा है, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं सरहुल के बारे में, कि सरहुल क्या होता है? सरहुल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है बेटा। बसंत ऋतु में मनाया जाता है। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। सरहुल त्योहार जो है वो बसंत ऋतु में झारखंड में मनाया जाता है बेटा। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। पीपल वियर दियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड बाक इन अ प्रोसेशन टू द सकुआ ट्री। सारे लोग वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब अपने त्योहार के अकॉर्डिंग जो पुराने जमाने में पहनते थे लोग कपड़े, वैसे ही कपड़े पहनते हैं। और ये लोग पैदल चलते हुए जाते हैं सकुआ पेड़ के पास। कहाँ बेटा? सकुआ पेड़ के पास। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स। वो अपने साथ में दाने लेके जाते हैं और सकुआ के फूल लेके जाते हैं। और जो दाने लेके जाते हैं वो जर्मिनेट यानी कि उगे हुए लेके जाते हैं, वो तुरंत के उगे हुए लेके जाते हैं। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। दे सेलिब्रेट सरोल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टूगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम। ढोल नगाड़े बजाते हैं एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, डीजे हो गया, ढोलक हो गया, ये सारी चीजें बजाते हुए ये लोग गाते हैं, साथ में नाचते भी हैं। ये देखिए सरहुल का, ये लोग सरहुल का त्योहार मना रहे हैं। है देखिए, ये सरहुल का, ये सखुआ का पेड़ है, उसके आसपास ये लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ये ढोलक तबले हैं ये बजाते हैं, साथ साथ में गाते भी हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर बेटा यहाँ पर पूरी तरह से होता है समाप्त। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बच्चों शुक्रिया आपका, और आप लोग उम्मीद है सारे क्वेश्चन आंसर समझ चुके होंगे। थैंक यू बच्चों।